हेलो गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार वाली, उसका ये आज पार्ट 9 है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी के बारे में, हिमांशु जोशी जी के बारे में। हिमांशु जोशी जी, जिनका संबंध रहा पत्रकारिता से, जिनका संबंध रहा रेडियो से, जिनका संबंध रहा दूरदर्शन से, लेखन से, साहित्य से, यात्रा वृत्तांत से, सभी चीज़ों में इनका काफ़ी विशिष्ट योगदान रहा। तो इनकी सभी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं UKPSC के एग्जाम में या UKSSSC के एग्जाम में, वो यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनकी अमूमन रचनाएं पूछ ली जाती हैं। मैं बात करूँ, लास्ट UKPCS हुआ था, वहाँ पे इनकी एक रचना पूछी गई थी। UKSSSC के एग्जाम में भी इनकी रचना पूछी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो आपने शुरू से अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आप अच्छे से एक डिसेंट स्टूडेंट की तरह स्टडी कर रहे हैं, तो अच्छे से वीडियो को वॉच करें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज डिस्कस करेंगे पार्ट 9 में हिमांशु जोशी जी के बारे में। तो सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय जानेंगे हिमांशु जोशी जी के बारे में। हिमांशु जोशी का जन्म हुआ था 4 मई 1935 को। जन्म स्थान है इनका जोशीउड़ा गांव, जो कि चंपावत में है। और इनकी जो शिक्षा हुई, दिल्ली से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और MPhil किया इन्होंने, ठीक है, मास्टर ऑफ फिलोसफी। तो इन्होंने ये एजुकेशन ली, और जो इनका जीवन रहा वो काफ़ी संलग्न रहा सभी चीज़ों में। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं इनके जो साहित्यिक रचनाएं हैं महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कविता संग्रह। तो कविता संग्रह में जो इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो कि पूछी जा सकती हैं आने वाले एग्जाम्स में, उनमें मुख्यतः हैं अग्निशंभव, नील नदी का वृक्ष, एक आँख की कविता। ये इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करूँ कहानी संग्रह की। तो कहानी संग्रह में काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियों इन्होंने लिखी, और आज भी जो है मोस्ट उत्तराखंड में देखा जाए तो जो मोस्ट कहानियाँ हैं स्कूल के पैटर्न में भी हैं, स्कूल के सिलेबस में भी दी गई हैं, वो हिमांशु जोशी जी की दी गई हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ मुख्य कहानियाँ, जैसे अंततः, नंगे पाँव के निशान, 10 कहानियाँ, इस बार बर्फ गिरी तो, 71 कहानियाँ, सागर तट के शहर, जलते हुए डैने, श्रेष्ठ प्रेम कहानियाँ। तो ये इनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि सभी राइटर्स के रचनाएं काफ़ी होती हैं, लेकिन उन्हीं रचनाओं को यहाँ पे फोकस किया जाता है जो महत्वपूर्ण थी, जो चर्चित रही उनके समय में, या जिनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली, और यही रचनाएं पूछी जाती हैं अमूमन किसी भी एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इनकी विधा देखेंगे बाल साहित्य। तो बाल साहित्य में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। मैं एक हिसाब से बोल सकता हूँ रस्किन बॉन्ड को बोला जाता है बाल साहित्य का कवि। लेकिन रस्किन बॉन्ड के बाद उत्तराखंड से कोई कवि हैं जिन्होंने बाल साहित्य के लिए कुछ अच्छा कार्य किया है, तो वो हैं हिमांशु जोशी। बाल साहित्य में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तीन तारे, अग्निशंतान, हिम का हाथी, काला पानी, सुबह के सूरज, अमर कैदी, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये उनकी जीवनी पे लिखी है इन्होंने बाल साहित्य के अंतर्गत ही, ठीक है, और बचपन की याद रही कहानियाँ। तो ये इनकी प्रमुख बाल साहित्यिक रचनाएं हैं, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स, मैं बात करूँ नाटक की। तो नाटक जो इनका काफ़ी फेमस हुआ वो है कगार की आग, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। तो कगार की आग, सूराज, समय की शिला पर, इस बार, तो ये इनके चार महत्वपूर्ण नाटक रहे जो इन्होंने रचित किए, ठीक है। अगला है देखिए वैचारिक संस्मरण। तो वैचारिक संस्मरण में इन्होंने दो रचनाएं दी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें है उत्तर पर्व और 8वां सर्ग। इसके साथ साथ इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे। काफ़ी देशों की इन्होंने यात्रा की, क्योंकि ये जुड़े थे फिल्म इंडस्ट्री से, ये जुड़े थे पत्रकारिता से, तो ऐसे लोगों को तो मौका मिलता है देश विदेश में घूमने का। तो काफ़ी जगह इन्होंने यात्राएं की, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट जो वृत्तांत लिखे वो है यात्राएं, और दूसरा है नार्वे, सूरज चमके आधी रात। तो नार्वे को बोला जाता है मध्य रात्रि सूर्य का देश बोला जाता है ना, क्योंकि मिडनाइट में वहाँ पे सन दिखता है। तो उसी पे इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिख दिया, नार्वे, सूरज चमके आधी रात, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं इनको पुरस्कार व सम्मान की। तो पुरस्कार और सम्मान में मैं बोलूँ, इन्हें दिया गया उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली सम्मान, पत्रकारिता में जो विशिष्ट एक सम्मान दिया जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, इससे भी इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है, क्योंकि पत्रकारिता में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी टाइम तक संपादक रहे विभिन्न पत्रों में। देखिए इनकी जो पहली कहानी थी, जो इन्होंने अपनी लाइफ की पहली कहानी लिखी थी, वो बुझे दीप नाम से प्रकाशित, उसका टाइटल था बुझे दीप। और नव भारत टाइम्स में जो रविवासरीय आता है ना, एक रविवार के दिन एक अलग से पेज आता था रविवासरीय, जिसमें अलग अलग कहानियाँ, चुटकुले, सभी चीज़ें ऐड रहती हैं जिस पेज में, उस पेज में इनकी पहली कहानी
बुझे दीप क्या हुआ, प्रकाशित हुई 1955 में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार रचनाएं दी। अब मैं इनके बारे में जो हर वीडियो में देता हूँ हमेशा अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो होते हैं वो देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला ये UKPCS 2016 प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए के रचयिता कौन है, तुम्हारे लिए किसकी रचना है, डायरेक्टली पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए, इनका प्रसिद्ध उपन्यास है तुम्हारे लिए, इस पे दूरदर्शन पे धारावाहिक भी बना, ठीक है। और इससे पूर्व में मैंने आपको बताया था मनोहर श्याम जोशी की हम लोग, ठीक है, वो भी दूरदर्शन का धारावाहिक था। अब देखिए, कोलकाता से प्रकाशित एक मासिक पत्रिका थी वर्गार्थ, उसके भी ये संपादक रहे। वर्तमान में ये गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के अध्यक्ष हैं नई दिल्ली में। देखिए, इनके उपन्यास मैंने अभी उपन्यास बताया आपको, जो इनका एक उपन्यास है सुराज, इस सुराज उपन्यास पे बॉलीवुड में एक मूवी भी बन चुकी है जो कि कई फेस्टिवल में प्रस्तुत हो चुकी है, ठीक है। और अन्य जो लास्ट फैक्ट है इस आज के टॉपिक का वो है चीड़ के वन अरण्य इनकी अन्य रचनाएं। देखिए, ये दो रचनाएं छूट गई थी इसलिए मैं अंत में दे रहा हूँ, चीड़ के वन और अरण्य इनकी अन्य रचनाएं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो कि इंक्लूड नहीं हो पाई वहाँ पे, तो ये रह गई थी, मैंने लास्ट में दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था एक संक्षिप्त साहित्यिक परिचय हिमांशु जोशी जी के बारे में। आई होप इसमें से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि सिलेबस में भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, UK SSS का आप सिलेबस देखेंगे ना समूहों का, वहाँ पे जो कवियों की लिस्ट दिया उन्होंने जिनकी रचनाओं से एग्जाम में पूछा जाएगा, उसमें हिमांशु जोशी भी लिखा गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें फ्रेंड्स, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। जय हिंद, वंदे मातरम।